वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब. आज का हमारा टॉपिक है कि लोग क्या कहेंगे. ऐसा हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर आपने ये कर लिया तो लोग क्या कहेंगे, वो कर लिया तो लोग क्या कहेंगे. ये सारी बातें जो है हमारी जिंदगी जो है इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है कि लोग क्या कहेंगे. कुछ भी करने के लिए हमें बहुत सारी जो कह रहे रेजिस्टेंस भी फेस करनी पड़ती है, खुद से भी और इर्द गिर्द के लोगों से भी. तो आज इसके लिए हमारे साथ डिस्कशन के लिए मौजूद होंगी सबा शबीर शेख जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं. उनको वेलकम करेंगे. डॉक्टर सबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. डॉक्टर सबा, हम आज जो टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं लोग क्या कहेंगे, ये तो बहुत सारे हर घर की कहानी है, बल्कि हर बंदे की कहानी है ये. तो लोग क्या कहेंगे? अर्मिला, मेरा ख्याल है कि हमारे जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स है लाइफ में और जो साइकोलॉजिकल प्रेशर ज़्यादा है हमारे ऊपर, जो प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, बीमारियां ज़्यादा है, उसकी सारी की सारी वजह यह लोग क्या कहेंगे. हमारे पास जब पेशेंट आता है तो उसके सबसे पहले कंसर्न्स यही होते हैं कि मैंने कोई भी काम करना था, जैसे सपोज मदर इज़ कमिंग और वो कोई प्रपोजल देख रही हैं इस वक्त, ये बड़ी एक कॉमन सी चीज़ है. तो वो यही कहेंगी कि भाई हमारे मुताबिक सारे पॉइंट्स होने चाहिए, भाई 7-8 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, अगर ये ना हुई तो लोग क्या कहेंगे. मतलब आप देखें आपके लिए क्या सूटेबल है, किस जगह पे जाना सूटेबल है, कौन सा इंसान सूटेबल है, और इस तरह करते करते लोग पता नहीं कितनी चीज़ों में कहाँ पहुँच जाते हैं. इसी तरह से शॉपिंग करने जाना है तो हम इस जगह जाएंगे और इस जगह के कपड़े पहनेंगे और फिर लोगों को आकर ये उल्ट बताना है, हाँ लोग क्या कहेंगे. मतलब हर चीज में जब आप लोगों का सोचेंगे, इस वक्त ज्यादातर डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार लोग सिर्फ इसी वजह से हैं कि अच्छा हमें कोई मसला नहीं है. अगर हम बहुत ज्यादा प्रोब करती हूँ मैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर ऐसी चीज हो जाती है तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं उससे फिर लोग क्या कहेंगे ना. मतलब एवरीथिंग कम्स टू और एंड भी यही होता है, स्टार्ट भी वहीं से होता है, लोग क्या कहेंगे. एट द एंड देखा जाए, मेरा ख्याल है कि अगर कोई आपको बॉदर भी करता है तो 5 मिनट सोचता होगा, 10 मिनट सोचता होगा, हर एक की अपनी जिंदगी है. मेरा नहीं ख्याल आजकल के दौर में किसी के पास इतना टाइम है. हाँ टाइम तो सबके पास, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम होते हैं, लेकिन एट द एंड आपने जिंदगी गुजारनी है, आपने रहना है, आपने घर वालों ने वो सारी चीजें सिनेरियो फेस करना है. लोगों जैसे अक्सर औकात में देखती हूँ कि कुछ लड़के लड़कियां उनके पास बड़े अच्छे ऑप्शन होते हैं कोई भी किसी भी तरफ मूव करने के, जैसे करियर में मूव करने के, लेकिन पेरेंट्स को ये होता है नहीं नहीं नहीं, अगर ये अगर प्रोफेशन एक्सेप्ट कर ले हाँ तो लोग क्या कहेंगे. हाँ मीडिया में नहीं जाना, या कोई स्पेसिफिक उन्होंने चुन के रखा होता है, एनसीए वाले कॉलेज में नहीं जाना, इस तरह की वाली जगह पे नहीं जाना. सो सच काइंड ऑफ स्टाफ अगर आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे, मतलब ये लाइफ को कॉम्प्लिकेट करने वाली बात है, अगर आप चीजों को बहुत पाबंद होकर चलेंगे कि खाली खाला एक कोई मामी बड़ी सख्त वाली है और एक पुप्पो ऐसी वाली है जो पैसे वाली है, तो अगर आप उनकी वजह से अपनी लाइफ के पॉइंट्स ही चेंज कर देंगे, डायरेक्शन ही चेंज कर देंगे, तो ऑब्वियसली यू विल बी डिप्रेस्ड. अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा नॉर्मली घरों में प्रैक्टिस है, इवन हमारे मुझे नहीं पता मेजॉरिटी घरों में क्या हर एक घर में ये होते हैं. हम बेशक बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड भी बने, हम अपनी सारी चीजों को बेहतर भी करें, लेकिन एट द एंड हमारे सबकॉन्शियस में ये बात होती है कि अगर हमने ये स्टेप ले लिया या हमने ये बात कर ली तो लोग क्या कहेंगे, और ये लोगों के कहने की वजह से हम अपनी जिंदगियां पूरी पूरी तबाह कर लेते हैं. मैं आपको बताती हूँ, लोग अपनी बेटियों को घरों में बंद करने लग गए हैं, घर से निकालना नहीं है, सिर्फ बात यह है कि लोग क्या कहेंगे. मतलब तो ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाओ, ये करो वो करो. मतलब आप ये देखें कि एक बच्ची अच्छी भली होती है या लड़का अच्छा भला होता है, आप उसको उसकी लाइफ में चीजें ऐड करते हैं लोग क्या कहेंगे के मुताबिक, और वो आहिस्ता आहिस्ता रॉन्ग डायरेक्शन पे चला जाता है या उसकी लाइफ एक गलत रास्ते पे चली जाती है. क्योंकि जब आप चलना ही आपको लोगों के रास्ते से, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं करना, यहाँ शादी नहीं करनी, इससे बात नहीं करनी, इससे नहीं मिलना, यहाँ तक कि मैं अक्सर लोग मुझे आकर बताते हैं कि उनको डिप्रेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ. हम एक शादी में गए, मेरे मियाँ ने कहा था ये फैमिली से नहीं मिलना, इससे मिलोगी तो लोग क्या कहेंगे. What do you mean by this? भाई अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपको क्या जरूरत है लोगों का सोचने की. इन एक्चुअल देखा जाए तो मेरा ख्याल है सारे लोग ही एक दूसरे के बारे में ये सोचते सोचते अपनी लाइफ को खराब कर हैं. ये कहीं ना कहीं हम सब सोचते हैं. हाँ, एवरीबॉडी मतलब हम कोई भी काम करने से पहले, इवन हम अपनी ड्रेसिंग से लेकर अगर हम कुछ खा भी रहे हैं ना, तब भी हमें प्रॉब्लम होती है कि अच्छा किसी ने हमें देख लिया तो क्या. हाँ, मैं एक पेशेंट देख रही थी, उसने मुझे कहा, मतलब शी इज इन सवेयर डिप्रेशन, उसने कहा कि मेरी मदर ने मुझे मना किया हुआ है कि जब लोग आएंगे तो तुमने उनके सामने ब्रेड वाली कोई चीज नहीं खानी. ब्रेड वाली चीज? हाँ, मतलब कोई भी सपोज अगर मैं फूड में रखती हूँ, जैसे हो गया पिज्जा हो गया, क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि ये लड़की इतना खाती है. मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दिस? एक लड़की स्मार्ट है, कमजोर है, या जैसी भी दिखती है, वो जो है वो एज इट इज है, वो लोगों तो के सामने से लोगों को ये दिखाने के लिए खाना चाहिए कि हम खाते पीते कैसे.
हाँ ये तो यही बात है ना, हम अपनी सारा क्राइटेरिया फिक्स ही लोगों की बेस पे करते हैं कि अगर कोई कोई अच्छा कहेगा तो. और मेरा ख्याल है कोई भी किसी को अच्छा और बुरे का कोई क्राइटेरिया. अगर अच्छा, ये तमाम चीजें ना बड़ी स्वेयर जो कह लें साइकोलॉजिकल एक उसमें आपको ट्रॉमा में लेके चली जाती है. नॉर्मली हम अपने करियर से लेकर अपनी स्टडी से लेकर इवन अपनी फैमिली से अपने पेरेंट्स से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो करने से बहुत ज्यादा रिलेक्टेंट होते हैं. पर्सनली मैं भी अगर मुझे कोई चीज बहुत ज्यादा फील हो रही है तो मैं कहती भी हूँ तो मुझे रिलेक्टेंट होती हूँ कि अच्छा मैंने कहा तो अब्बा ने भी कहना है कि ये तुम मुझे क्यों कह रहे हो, या अम्मी ने भी यही कहना है कि तुम मुझे क्यों कह रही हो. मतलब वो सारे सिनेरियोस हमारे इनिशियली बचपन से ही शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमारा ब्रॉटअप वैसे होता है ना. हम शुरू में अपने पेरेंट्स के पास हर चीज लेकर जा रहे होते हैं, हमें जहां जहां कंफर्ट नजर आता है हम हर चीज कर रहे होते हैं, लेकिन ग्रेजुअली हमें लगता है कि नहीं 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 ये सारे काम नहीं करने. मतलब आप देखें ना हमें किस एज से बच्चा स्टार्ट होता है, 3-4 साल की उम्र से शुरू होता है वो अपने एक्सपोजर्स करना और ग्रेजुअली उसको आके 17 पे सही वाली अकल आती है कि नहीं अब ये वाले काम नहीं करने. और उसके मैंने देखा है कि हमारे घर में ज्यादा फाइट्स होना, जो लड़ाइयाँ अक्सर हो रही होती हैं, छोटी छोटी बात पे इतने आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, सबकी रीजन यही है लोग क्या कहेंगे. मतलब साथ जब रहते हैं तो उसको दिखाने के लिए तुमने ये नहीं करना, उसको कुछ और दिखाना है. मतलब आप अपने जो दिल की बात है, जो आपका इनर है, आउटर भी सेम वैसा होना चाहिए ना. लेकिन वही बात है कि हम अपने इनर और आउटर को चेंज करते करते डबल चलते चलते अपनी पर्सनालिटी को भी खराब कर देते हैं. वहीं से हमें एंगर पैदा होता है, वहीं से हमारे डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये सब कुछ वहीं से एडजस्टमेंट इश्यूज भी आते हैं ना. मतलब हम अपने रिलेशनशिप्स को अच्छे से नहीं निभा सकते. सपोज हम पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वहां पे हमारे क्लैश आने शुरू हो जाते हैं, पेरेंट्स के आपस में क्लैश आने शुरू हो जाते हैं, बच्चों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है. तो रीजन इज दैट कि हमारे घर में ज्यादातर इश्यूज इसी बात से होते हैं कि हम किसी और को देखकर अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश. बहुत स्वेयर साइकोलॉजिकल ट्रॉमास की मैं बात करी थी, बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं जो साइकोलॉजिकली इन चीज़ों की वजह से. क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं कि हम इन लोगों के प्रेशर में या इनके इन्फ्लुएंस में आके हम अपनी जिंदगी को बिल्कुल ही एक डिफरेंट लाइन पर लेकर चले जाते हैं. सबसे पहले जो चीज़ हमारी इफेक्ट होती है वो हमारी पर्सनैलिटी होती है. लाइक एक जगह पे हम बहुत अच्छे खासे हंसते खेलते एक इंसान है, हम वो टोटल चेंज करेंगे ना, क्योंकि हम तो देख रहे हैं लोग क्या कहेंगे. अब अपना खाना पीना, ड्रेसिंग, जो चीज़ें हमें पसंद है, जो चीजें हमें सूट करती हैं, वो सारी चेंज करेंगे सिर्फ इसलिए कि लोग इसको अच्छा नहीं समझते. और जब हम अपनी हर चीज को बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी शख्सियत में भी तो बिगाड़ आएगा ना. मतलब हमारी शख्सियत किसी और चीज की आदी है, कोई और काम कर रही है और हम वो सारे काम कर रहे हैं जो लोगों के मुताबिक हैं. तो हम अपनी पर्सनालिटी को लोगों के मुताबिक बनाते बनाते कितनी सारी चीजें जो गलत हैं, जो हमारी शख्सियत से मैच नहीं करती, हम लोगों की ऐड कर लेते हैं. सबसे पहला जो फैक्टर है वो पर्सनालिटी खराब होती है, उसकी वजह से हमारा मूड में एग्रेशन आने लगता है. समटाइम्स हम साइलेंस में चले जाते हैं, बिल्कुल अकेले रहना, लोगों से ना मिलना. इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम किसी से नहीं मिलना चाहते, सोशल इंटरेक्शन नहीं करना चाहते, या कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सोशल इंटरेक्शन करते हैं. तो ये दोनों चीजों का इम्बैलेंस इस वजह से होता है. एक्सट्रीम्स हैं ना. मतलब एक बंदा बदले की खातिर अपने घर वालों से ज्यादा मिलना शुरू कर देता है, लेट्स सी लोग क्या कहेंगे. और कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि वो अपनी पर्सनालिटी को इतना खराब कर देते हैं कि कुछ चीजें वो नहीं भी करते थे तो वो करने लग जाते हैं, जस्ट टू शो पीपल कि अच्छा होगा क्या, अगर ये लोग मुझे देखेंगे तो ये क्या कह सकते हैं. सो इस तरह की चीजें जब हम हमेशा ये देखेंगे कि हमें अपने साथ वाले के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है तो ऑब्वियसली हमारी पर्सनालिटी में क्लैश आएगा. और मेरा ख्याल है हम अब अगले बंदे को अपना आप अच्छा दिखा रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारे इनर और आउटर तो चेंज है. ऑटोमेटिकली वो खुलेगा, यहीं से फिर झूठ स्टार्ट होता है, यहीं से फिर और बहुत सारी चीजें, बैक बाइटिंग, ये सारी चीजें फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार करती है. जब पर्सनैलिटी में क्लैश आएगा तो फिर डिप्रेशन भी आएगा, एंग्जाइटी भी आएंगे, मुख्तलिफ किस्म के फोबियाज भी होंगे. इस वक्त मैं देखती हूँ कुछ लोग, जैसे शिजोफ्रीनिया एक क्रॉनिक डिजीज है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लेकिन यहाँ पे लोग इस चीज का बहुत शिकार होने लगे हैं क्योंकि एक वहम की बीमारी होती है ओसीडी. आहिस्ता आहिस्ता वहम सोचे उनके नेगेटिव खराब होते हैं और वो कहाँ से कहाँ उस चीज में डिविएट कर जाते हैं क्योंकि एक छोटी सी सोच लेकर वो अपने दिमाग में बैठते हैं, अच्छा उसके सामने ये बात हुई, वो बंदा क्या सोच रहा होगा, और वो सारी रात सोचते रहते हैं, अगले दिन सोचते रहते हैं. फिर स्पेसिफिकली जो चीज अफेक्ट होगी वो नींद अफेक्ट होगी, और जब हमारी नींद पूरी नहीं होगी हम फिजिकली भी डाउन होंगे, साइकोलॉजिकली भी. तो एट लास्ट उन लोगों का क्या, क्या हेल्थ तो आपकी खराब हुई, हर तरह से इम्पैक्ट आप पे ही आ रहा है. थैंक यू डॉक्टर सबा, बहुत शुक्रिया जनाब.
आज का टॉपिक ये था कि लोग क्या कहेंगे, और लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप लोगों ने बिल्कुल बॉदर नहीं करना, क्योंकि हमारा नॉर्मली ये अभी हम इतनी डिटेल डिस्कशन इसीलिए कर रहे थे कि हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे फेजेस आते हैं जब कहीं ना कहीं ये सारे जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं हम पर असरअंदाज होते हैं, और जब ये असरअंदाज होते हैं तो हम कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए, चाहे वो हम हैं, हमारे वालदैन हैं या बहुत सारे लोग हैं। सोशल प्रेशर डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों पर होता है, फैमिलीज में होता है, लेकिन एट द एंड जो चीज़ आपकी सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि आपने जिंदगी गुजारनी है, अगर आप सफर करेंगे तो आपके इर्द गिर्द या आपकी फैमिली है उससे सफर करेगी, तो बेहतर है वो डिसीजन ले जो आपके लिए बेहतर है और जो आपको लगता है कि आप उससे सेल्फ सेटिस्फाइड रहेंगे। तो ये आज के टॉपिक का मैसेज था कि लोग क्या कहेंगे आपने बिल्कुल इग्नोर कर देना, आप खुद क्या चाहते हैं ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे पास और भी मेहमान होंगे, आपसे और भी बातें करेंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर।